दिल्ली में रविवार को एनसीडी चुनाव के लिए वोटिंग हुई तो हर तरफ यही चर्चा थी कि इस बार दिल्ली नगर निगम चुनाव में बाजी कौन मारेगा। वोटिंग प्रतिशत कम रहा, उसके बावजूद शाम होते होते 50% का आंकड़ा दर्ज कर ही लिया गया। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था कि किसी के पक्ष में लहर नहीं है, क्योंकि अगर लहर होती तो वोटर बड़ी संख्या में निकलकर बाहर आते। लेकिन आज तक एक्सेस माय इंडिया के एग्जिट पोल में एक साफ इशारा मिल रहा है, और वह यह कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का जादू फिलहाल लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। आखिरकार झाड़ू को क्यों मिल रही है इतनी बड़ी कामयाबी, इसके पीछे अगर हम देखें तो कुछ मुख्य वजहें साफ तौर पर दिखाई पड़ती हैं। 15 साल से दिल्ली में एमसीडी पर बीजेपी का राज है। भ्रष्टाचार की लगातार शिकायत और काम न होने की वजह से लगभग हर तबके में एमसीडी के कामकाज को लेकर नाराजगी साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। चुनावी भाषा में इसे एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता है। अगर इसी लिहाज से देखें तो दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ एमसीडी में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, और सत्ता के खिलाफ इसी माहौल का सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को मिला। बीजेपी का वोटर कई जगहों पर इतना निराश था कि उसने अपनी फेवरेट पार्टी को वोट देने की बजाय घर में बैठना ठीक समझा। बीजेपी के खिलाफ जो सबसे बड़े मुद्दे फैक्टर बनकर सामने आए वह थे दिल्ली में साफ सफाई की कमी और पार्षदों का भ्रष्टाचार, खासतौर पर बिल्डिंग बनवाने को लेकर। बीजेपी ने पूरे एमसीडी चुनाव प्रचार के दौरान खुद पर लगे आरोपों पर सफाई देने की बजाय उन्हें आम आदमी पार्टी की तरफ डाइवर्ट किया। बीजेपी ने कोशिश की थी कि एमसीडी पर बात कम हो और आम आदमी पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप, मसलन सत्येंद्र जैन के वीडियो और आबकारी नीति में हुए घोटाले पर लोग ज्यादा चर्चा करें। कई बार बीजेपी इस नैरेटिव को लोगों के बीच ले जाने में कामयाब भी दिखाई पड़ी, लेकिन एमसीडी के मुद्दों पर बात ना करना उसके लिए कहीं ना कहीं भारी पड़ा, और परेशान लोगों ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट दिया ताकि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बन सके। दूसरी वजह रही दिल्ली में अब ब्रांड बन चुके अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली में ब्रांड केजरीवाल का मतलब है लोगों को सुविधाएं देना और कई तरीके की मुफ्त स्कीम का फायदा लोगों तक पहुंचाना। केजरीवाल के कामकाज और तौर तरीकों पर विपक्ष सवाल तो उठाता है, लेकिन पब्लिक में अरविंद केजरीवाल को लेकर अभी काफी सहानुभूति है। मुफ्त बिजली से लेकर सुधरती हुई शिक्षा व्यवस्था, मोहल्ला क्लिनिक और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ करवाने की वजह से केजरीवाल को एक ब्रांड बनाते हैं। उस ब्रांड की काट के लिए दिल्ली में बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का इस्तेमाल तो किया, लेकिन सरकारी फायदे के सामने पीएम के ऊपर खेला गया दाव भी नाकाफी साबित हुआ। दिल्ली में आमतौर पर जहां धार्मिक ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा वोटरों को प्रभावित नहीं करता है, वहां सॉफ्ट हिंदुत्व का दाव भी केजरीवाल के लिए फायदेमंद साबित हुआ है, खासतौर पर तब जब मुस्लिम वोटरों के सामने कांग्रेस का मजबूत विकल्प उपलब्ध नहीं है। आम आदमी पार्टी ने अपने पोस्टरों पर और कैंपेन में भी अरविंद केजरीवाल के नाम और उनके फोटोग्राफ का इस्तेमाल बखूबी किया ताकि इस ब्रांड केजरीवाल को और ज्यादा एमसीडी चुनावों में भुनाया जा सके। पहले आम आदमी पार्टी ने स्लोगन दिया था एमसीडी में भी केजरीवाल, लेकिन जब पार्टी को यह लगा कि यह स्लोगन उतना काम नहीं कर रहा है तो डबल इंजन का नैरेटिव बनाने के लिए केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद नारा देकर दिल्ली भर में कैंपेन चलाया। पहले आम आदमी पार्टी की रणनीति यह थी कि अरविंद केजरीवाल ना के बराबर एमसीडी चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे, लेकिन जब गुजरात चुनाव के पहले फेज का प्रचार खत्म हुआ उसके बाद लगभग 4 दिनों तक केजरीवाल ने दिल्ली में रहकर आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल लिया। इसी दौरान कुछ पब्लिक रैली और रोड शो हुए।
साथ ही साथ RWA और कारोबारियों के साथ बैठक कर MCD चुनाव जीतने का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल में बढ़त दिखाने के पीछे एक तीसरा फैक्टर भी नजर आता है। दिल्ली में कमोबेश अब त्रिकोणीय की जगह आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला दिखाई पड़ रहा है। अगर हम उन आंकड़ों पर नजर डालें जो एग्जिट पोल में दिखाई पड़ रहे हैं, तो BJP के ऊपर आम आदमी पार्टी को लगभग 8 से लेकर 9% वोट की बढ़त दिखाई पड़ रही है, लेकिन BJP के वोट शेयर में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं दिखती है, और वह भी तब जब उसके लिए 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी परेशानी बन रही हो। इसका सीधा मतलब यह है कि दिल्ली में या तो लोग केजरीवाल को पसंद करते हैं या फिर नापसंद करने वालों के पास भी BJP के अलावा कोई मजबूत विकल्प मौजूद नहीं है, और उनकी संख्या भी लगभग 35% के आसपास है। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के उस वोटर ने वोट तो दे दिया जो BJP को MCD में एक और मौका नहीं देना चाहता था, लेकिन BJP को उन वोटरों का साथ मिला जो अरविंद केजरीवाल की नीतियों से सहमत नहीं हैं, जो 43% वोट MCD चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वह विधानसभा चुनावों से लगभग 10% कम है। यानी लगभग 2 सालों में यह बात तो तय है कि आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी कम हुई है। बुधवार को अब चाहे नतीजे जैसे रहें, लेकिन MCD में एक नया अध्याय जरूर शुरू होगा। यह संभावना भी दिख रही है कि दिल्ली नगर निगम में एक नया निजाम होगा, और वह ऐसा शासन होगा जिसकी सत्ता दिल्ली सरकार में भी है।